बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे से दाग धब्बे खत्म करने का बेहतरीन फार्मूला बताने वाली हूँ। इस फार्मूले के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे से दाग धब्बों को बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपके चेहरे पर जितनी भी पुरानी छाइयां होंगी इसको भी आप बहुत ही तेजी के साथ खत्म कर सकते हैं। इस नुस्खे के मुसलसल 15 दिन के इस्तेमाल से जितनी भी पुरानी छाइयां आप लोगों के चेहरे पर होंगी उसे आप बहुत आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक्नी के स्कार्स, एक्नी मार्क्स, जितने भी ज्यादा पुराने आपके चेहरे पर होंगे उसको आप आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं, गुड बाय कह सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही जबरदस्त है, इसको इस्तेमाल किया जा चुका है, इससे इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे और किसी किस्म का भी साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फार्मूला 100% नेचुरल है, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से फार्मूला शुरू कर देते हैं, बाकी बातें हम दरमियान में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी चाहिए होगी। इस कटोरी में सबसे पहले हम जो चीज ऐड करेंगे वो है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच आपने ऐड करना है। जो भी चीजें इसमें मैं ऐड करूंगी स्टेप बाय स्टेप ऐड करूंगी, आपने पूरी तवज्जो से इसे समझना है। दूसरे नंबर पे हम इसमें ऑरेंज पील पाउडर का 1 चम्मच ऐड करेंगे, यानी कि ऑरेंज के सूखे छिलकों का पाउडर। ठीक हो गया, दो चीजें हमने ऐड कर ली। तीसरे नंबर पे हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे, दही, यानी कि कर्ड। घर का दही इस्तेमाल करें या मार्केट का ऐड करें कोई मसला नहीं है। 1 चम्मच हमने इसमें दही का ऐड कर लिया। चौथे नंबर पे जो चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है पोटैटो जूस, यानी कि आलू का रस। आलू का रस मैंने आलू का कद्दूकश करके बना लिया था, आप चाहें तो आलू को छील के उसको ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें 1 चम्मच आलू का रस ऐड करूंगी, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच मिलाएंगे एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन, 1/2 चम्मच हमने इसमें मिलाई है ग्लिसरीन, ताकि हमारे चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो आसानी के साथ खत्म हो सके। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें लिक्विड मिलाने की और जरूरत है, तो हम इसमें दही या पोटैटो जूस जो है वो और मिलाएंगे। पोटैटो जूस हमारे पास 1 चम्मच और बचा हुआ है, हम थोड़ा सा वो मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और दही जो है वो ऐड कर देंगे, एंड दैट्स इट। आपको लिक्विड और मिलाने की जरूरत पड़े तो आप जितना हो सके इसमें पोटैटो जूस यानी कि आलू का रस या फिर दही ऐड कर सकते हैं। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली तमाम न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप नई वीडियोज से फायदा उठा सकें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा बहुत ही जादुई किस्म का फेस पैक बन के हो गया रेडी, जो हमारे चेहरे से मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बों को, एक्नी स्कार्स को, डार्क स्पॉट्स को और पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको किसी पार्टी पे जाना है, किसी शादी पर जाना है या आपकी खुद की शादी है और आपके चेहरे पर बहुत जिद्दी किस्म की छाइयां हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या डबल टोन है आपकी स्किन या आपके पैचेस हैं स्किन के ऊपर, तो आप इसको 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हर किस्म के दाग धब्बों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छे तरीके से इसकी एक थिक लेयर अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने अपने चेहरे के ऊपर छोड़ देना है ड्राई होने के लिए, और इसको अच्छे से आपने ड्राई नहीं होने देना ताकि क्रैक्स नहीं पड़े। अभी ये थोड़ा सा गीला, अभी इसमें थोड़ी सी नमी बाकी हो तो आपने इसको ड्राई कर वॉश कर देना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूं ये काफी हद तक ड्राई हो चुका है, मैंने इसको टाइम दिया है 20 मिनट का, और क्योंकि हमने काफी थिक लेयर इसकी अप्लाई करनी है, बारीक लेयर नहीं अप्लाई करेंगे, एक मोटी लेयर इसकी अप्लाई करेंगे। देखिए अभी इसमें काफी नमी बाकी है और आधा ये ड्राई हो चुका है, और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूं। एक दफा के वॉश से हमें इतना रिजल्ट अच्छा मिल सकता है वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑरेंज पील पाउडर का पूरा 1 चम्मच मैंने मिलाया है, 2 चम्मच मैंने पोटैटो जूस के इसमें मिलाए जिसमें 1 चम्मच करीब पोटैटो स्टार्स था, 2 चम्मच मैंने इसमें दही के भी ऐड किए हैं, इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी भी मैंने, ग्लिसरीन भी इसमें ऐड की है, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हमने इसमें ऐड की हैं उन तमाम चीजों के मिक्सचर से जो फेस पैक हमारा बनकर रेडी हुआ हमारी स्किन को ब्लीच करने के लिए बहुत जबरदस्त है, हमारी स्किन से दाग धब्बों को मिटा के हमारी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत जबरदस्त है। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा रही हूं, एक दफा के इस्तेमाल से हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी फेयरनेस मिली है। आप इसे स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन को फेयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन से दाग धब्बों को फेड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आप अपनी स्किन से पुरानी झाइयों को खत्म कर सकते हैं, दाग धब्बों को खत्म कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स को खत्म कर सकते हैं, और आप इसे अगर शौकिया तौर पर स्किन को फेयर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी खत्म कर सकते हैं। और प्लस मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन के
ऊपर एक्नी का प्रॉब्लम है, एक्नी बहुत ज्यादा है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स बनते हैं, छोटे छोटे बारीक दाने हैं, जो गर्मी दाने भी अगर बनते हैं तब भी आप इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन की वजह से आप परेशान मत हो, अगर आपके चेहरे पर एक्नी या पिंपल का प्रॉब्लम है तब भी आप इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी और ऑरेंज पील होने की वजह से ये आपकी पिंपल और एक्नी को भी बहुत तेजी के साथ खत्म करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो जरूरी तौर पर लाइक की हकदार बनती है, और साथ में साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये फेस पैक बहुत ही जबरदस्त है, 15 दिन आजमाने के बाद वापस आके वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, क्योंकि ये लाइक की हकदार है, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेमेडी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है, ताकि आपके काम आ सके और आप अपनी शादी से पहले अपने चेहरे को नीट कर सकें, ब्राइट कर सके, फेयर कर सके। अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द खुद मिटा देगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, उम्मीद करती हूँ आज के लेसन के साथ साथ आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अपने वाले दैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। आप लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज़।